दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बजाज के इस गीजर की। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आपको गीजर लगाते समय, स्पेशली गैस गीजर लगाते समय क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। तो दोस्तों अगर आपके पास गीजर नहीं है तो आप गीजर कोई भी चूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट गीजर बजाज का ही है। इस वाले गीजर का लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बजाज का 6 लीटर वाला गीजर है। इसकी जो नॉब्स हैं, इनकी जो सेटिंग का वीडियो है, मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में ही ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो गाइज अब आपको बताते हैं कि इसको लगाते समय आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहली बात, इसको आपको बाथरूम के अंदर लगाना ही नहीं है। किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इसको बाथरूम के अंदर नहीं लगाना है। आपको इसको बाथरूम के बाहर, अपने आंगन में कहीं जगह है, कहीं जुगाड़ है, वहाँ पर लगाइएगा। अगर जुगाड़ नहीं है तो मेरी राय रहेगी आप गैस गीजर को भूल जाइए, आप इलेक्ट्रिक गीजर का उपयोग कीजिए। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, वार्निंग फॉर यूजिंग वेल वेंटिलेटेड एरिया ओनली। कई जगह ऐसे केस भी हो चुके हैं जहाँ बाथरूम के अंदर गीजर लगा था, अंदर कई लोग मर चुके हैं, कई बार लोग बेहोश हो चुके हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा घातक है अगर आप इसको बाथरूम के अंदर लगाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये बाथरूम नहीं है, सिंपल स्टेयर्स हैं। मैंने इसको स्टेयर्स पे लगा रखा है। और दोस्तों ये गैस सिलेंडर है, इसको मैं लगा रखा है। तो पहली सावधानी हो गई, आपको इस गैस गीजर को बाथरूम के अंदर कभी भी नहीं लगाना है। अब दोस्तों आते हैं नंबर टू, सेकेंड थिंग क्या है, ये जो आपका पाइप आया है गैस वाला, यहाँ पर आपको प्रॉपर क्लिप लगानी है ताकि ये सही से फिट रहे। और नीचे जहाँ आपका गैस सिलेंडर है वहाँ भी आपको प्रॉपर क्लिपिंग करनी है ताकि ये सही से फिट रहे। क्योंकि हम इस सिलेंडर को बार बार ऑन ऑफ नहीं करते हैं। सपोज मान लो कभी लीकेज हो गया तो हमको पता भी नहीं पड़ेगा। जो आपका खाने बनाने वाला किचन वाला सीन होता है वहाँ पर तो आप रात को सोने से पहले ऑफ़ कर देते होंगे, मगर यहाँ आप बार बार आके इसको ऑन ऑफ नहीं करते हैं। तो इसका आपको खास ख्याल रखना है। और ये जो पाइप है, आपको इस प्रकार का ही पाइप का उपयोग करना है। ये पाइप आपको जो गैस एजेंसी है वहाँ पर मिल जाएगा, मार्केट में भी मिल सकता है। तो आप इसी वाले गैस पाइप का उपयोग करें। सिंपल वाला जो पाइप होता है, ट्रांसपेरेंट वाला, उसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें। उसको चूहे वगैरह काट देते हैं, इसको चूहे नहीं काट पाते क्योंकि इसके अंदर कई सारी लेयर्स हैं और उनमें जाली भी रहती है, मैस रहता है, वो भी लोहे की जाली होती है, तो चूहे को काटना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, बाकी दोस्तों अब बात करते हैं नंबर थर्ड सेफ्टी की। ये जो टेप है, टेप आपको हमेशा ध्यान रखना है, टेप थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। क्योंकि जो इनपुट है, ये जो इनपुट वाला एनल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसा भी पाइप लगा सकते हो चलेगा, कैसा भी टेप चलेगा। लेकिन जो आउटपुट वाला है, ये इसका सेंटर वाला आउटपुट है, ये जो पाइप है ये थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मैंने दोनों ही सेम क्वालिटी के लिए हैं। और ये चाहे लोहे वाला पाइप हो या फिर रबड़ वाला हो, प्लास्टिक वाला हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है हाई क्वालिटी की प्लास्टिक या रबड़ होनी चाहिए। देखिए मैंने लगाया है, काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी बढ़िया एक रबड़ टाइप की प्लास्टिक, बहुत ही बढ़िया प्लास्टिक का है। थोड़ा सा कॉस्टली आता है, मैं इसका भी लिंक और टेप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो आपको ये अच्छे वाले पाइप का उपयोग करना है जो आउटपुट है, क्योंकि पानी गर्म होकर आता है, अगर ये कमज़ोर होंगे तो ये झेल नहीं पाएंगे, फट जाएंगे, जल जाएंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। ये टेप है, इनके अंदर रबड़ रहती है, अगर ये लो क्वालिटी के टेप है तो ये टेप भी ख़राब हो जाएंगे। और नीचे जो बाथरूम में टेप लगा हुआ है, आपको वो टेप भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो भी जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका नुकसान होने से बच जाएगा। और सेफ्टी सबसे पहली चीज़ है, आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सेफ्टी से आगे कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ी सेफ्टी जो मैंने आपको नंबर एक पे बताई थी, आपको इसको बाथरूम के अंदर नहीं लगाना है। अदरवाइज जब ये ऑन होगा तो अंदर की जो बाथरूम की ऑक्सीजन है वो बर्न हो जाती है और आपको सांस लेने में घुटन होगी, आप बाथरूम का दरवाज़ा तक नहीं खुल पाएंगे, बेहोश हो जाएंगे और ये काफ़ी ज़्यादा घातक हो जाता है। तो दोस्तों यही था आज का सेफ्टी रिलेटेड वीडियो। तो आपके मन में अभी भी कोई सवाल या सुझाव है वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब गाइज मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।